फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसे बनाने के कई वे हैं। आज जो वे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो सबसे ज़्यादा ईजी है। अगर आप इस तरीके की ये बर्फियाँ मार्केट से लाते हैं तो कम से कम ये 1200 से 1500 रुपये किलो आती हैं। जी हाँ, ये जो मिठाई होती है इतनी ही कॉस्टली होती है, लेकिन अगर आप इसे घर पर ट्राई करते हैं तो ये बहुत ही आराम से बन जाती है और आप देखेंगे कि काफ़ी सस्ते में बनकर तैयार हो जाती है। जो भी खाएगा या आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा, क्योंकि ये होती ही इतनी ज़्यादा टेस्टी हैं, लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लाइक हुआ तो अब रेसिपी देख लेते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क की। आप चाहें तो तबेले वाला ले सकते हैं, आप चाहें पैकेट वाला ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड हो पर अच्छा ब्रांड हो, और साथ ही वो जो दूध लें आप फुल क्रीम हो। और उसके बाद इस फुल क्रीम मिल्क को हम डाल देंगे एक पैन के अंदर, क्योंकि हम इसे रिड्यूस करेंगे। और दूध को पैन के अंदर डालने के बाद में गैस के ऊपर रख देते हैं और एक इसमें अच्छा उबाल आने देते हैं। आप चाहें तो इस समय थोड़ी बहुत देर के लिए पैन पे से हट भी सकते हैं, वरना जब ये पकने पे आएगा आपको कंटिन्यूस इसे हलाना होगा। और ये लीजिए, दूध में अच्छा उबाल आ चुका है और हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि ये हाफ़ नहीं हो जाता। और 10 से 12 मिनट में आप देखिए दूध जस्ट हाफ हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा सा हो चुका है। अब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अगर इस समय हम इसका मेज़रमेंट करते हैं तो ये है करीब 500 ml। और बस इसमें और 2-3 उबाल लगाए और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। 500 ग्राम में हम 250 ग्राम जितनी चीनी डाल देंगे, जस्ट हाफ। बस ये मेज़रमेंट आप ध्यान में रखिए क्योंकि इसी पर आपकी पूरी रेसिपी डिपेंड करती है। 1 किलो दूध लिया, उसे हाफ़ कर लिया और हाफ़ में डाल दी उसकी भी हाफ चीनी। और बस लीजिए, चीनी डालने के बाद ये जो मिक्सचर था थोड़ा लिक्विडी सा हो गया है, पर इशू कुछ भी नहीं है। इसे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बस 2 से 3 मिनट या 4 मिनट पकाइए, बिल्कुल मावे जैसा इसे हमें नहीं करना है। और ये लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया उबाल आ चुका है और मैंने इसे करीब 5 मिनट पका भी लिया है। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल 1 पिंच जितना येलो फूड कलर। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर से भी अच्छा काम हो जाएगा क्योंकि हम इसमें इलायची डालेंगे, इलायची की अच्छी खुशबू इसमें हो जाएगी। पर बाकी आपकी मर्जी है, आप कलर डालें या केसर डालें। और ये लीजिए, केसर अच्छे से, कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। और उसके बाद हमने इस स्वीट रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट लिया है, वो है नायलॉन सेब। इसमें हम 2 कप जितना सेब डालेंगे। और ये जो सेब है मार्केट में इजीली मिल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो जो हम होली दिवाली पर सेब बनाते हैं, बस उसे फीका बना लीजिए और उसके बाद उसे बारीक तोड़कर आप इस तरीके से बर्फियाँ बना लीजिए, वो भी बहुत ही बढ़िया बन जाएंगी। आपकी मर्जी है कि आप इसे कैसे बनाते हैं। बस आप चाहें वो वाले सेब लें या ये वाले सेब लें, एकदम स्लो फ्लेम पर ही आप इसे आपस में मिक्स करें। और रीजन है, अगर आपने हाई फ्लेम पर किया तो सेब बिल्कुल घुल जाएगा और वो बढ़िया टेस्ट नहीं करेगा। और बस जब मिक्सर अच्छा सा तैयार हो जाएगा उसी समय हम इसमें डाल देंगे करीब 3 से 4 टेबल स्पून जितना डेसिकेटेड कोकोनट। इससे हमारा जो मिक्सचर है जमने के लिए इंस्टेंट तैयार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया जमेगा और कोकोनट की खुशबू भी इसमें बढ़िया आएगी। और टेक्सचर तो आप किसी भी बर्फी में डालिए, कोकोनट से बहुत ही बढ़िया हो ही जाता है। और हो सकता है आपको इस समय मिश्रण थोड़ा सा लिक्विडी लग रहा हो, परंतु आप इसे और 2 मिनट पकाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम अच्छे से मूव करने लगेगा, पैन को छोड़ने लगेगा। और इस समय जो ये थोड़ा लिक्विडी सा लग रहा है, जब आप इसे सेट करने के लिए रखेंगे तो इसमें जो हमने सेब डाला है वो दूध वाली चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और बर्फियाँ बहुत ही अच्छी सेट हो जाएंगी। और बस इसी समय हम इसमें 4-5 हरी इलायचियाँ डाल देंगे जिससे अच्छी खुशबू हो जाएगी। और अब आप देखिए, मिक्सर को हमने सिर्फ 2 मिनट ही चलाया है और ये काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। बस और चलाया, अब आप इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने से पहले आप इसे अच्छे से कवर कर दें 10 मिनट के लिए। और ये लीजिए, 10 मिनट हो चुके हैं जो मिक्सर था।
उसने पूरे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके लिए मैंने एक ट्रे ली जिसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और ये जितना भी मिक्सचर था हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बर्फियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। इस रेसिपी को इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और बस इसे अच्छे से हम इकसार कर देंगे और लेवल करने के बाद में मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी कि ये बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है। ये बर्फियाँ थोड़ी सी थिक ही होती हैं तभी इसका प्रॉपर और बढ़िया टेस्ट आता है। और ये लीजिए, लेवल हो चुका है और थिकनेस आप देखिए, मैंने इसे करीब आधा इंच से पौन इंच की ऊंचाई में रखा है। वैसे तो ये बर्फियाँ खाने में ऐसे ही बहुत टेस्टी हैं, लुक भी ज़बरदस्त आ रहा है, बस थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। उसके लिए थोड़े से पिस्ते और थोड़े से काजू डाल दिए और ये लीजिए, अब काजू डाल दिए और देखिए क्या ज़बरदस्त इसका लुक आया है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं और आप इसका टेक्सचर और टेस्ट इमेजन कर सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त आने वाला है। अच्छे से सेट किया जिससे सूखने के बाद निकले नहीं। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसे फ्रीज में सेट होने के लिए ना रखें, आप 2 घंटे या 3 घंटे के लिए इसे काउंटर टॉप पे छोड़ दें और 2-3 घंटे में ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाएंगी। और ये लीजिए, करीबन 3 घंटे हुए, बर्फियाँ अच्छे से सेट हो चुकी हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट सी या ड्राई सी ये नहीं होती हैं, इसी तरीके का माउथ वाटरिंग इसका टेक्सचर रहता है, बहुत ही सॉफ्ट सी डेलिकेट सी बर्फियाँ होती हैं। और ये लीजिए, हमारी सब बर्फियाँ कट चुकी हैं। कट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी या छोटी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ना काटें क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी भी होती हैं। और बस एक पीस अलग किया, इसी तरीके से हम इसके सारे पीस निकालेंगे। और पीस निकालते हुए आपको पता चल रहा होगा कि बर्फी कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त बर्फी है, जो देखेगा मुंह में पानी आ जाएगा। ज़रूर आपसे इसकी एक बार खाने के बाद दोबारा डिमांड करेगा, ये बर्फियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं। तो चलिए, अब इसकी प्लेटिंग कर ली और ये देखिए क्या बढ़िया सी बर्फियाँ हैं। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक में मुझे भी बताएंगे रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।